Hey guys, welcome to my YouTube channel. Welcome back, and this is Priya here. So आज हम लोग जाने वाले हैं लाल किला एंड आई एम गोइंग टू मीट माई फ्रेंड आफ्टर 4 years. सो अभी वो आने वाली है, वो मेट्रो में, तो आई गेस 10-15 minutes लेने वाला है उसका टाइम. तो वो पहुँचने वाली है कुछ टाइम पे और मैं खड़ी हूँ एकदम लाल किला के जस्ट ऑपोजिट में, जहाँ से ये चांदनी चौक का रूट कनेक्ट होता है. तो मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ उसका. तो अभी हम लोग लाल किला घूमने वाले हैं, फिर उसके बाद हमें खुद नहीं पता है कि हम कहाँ जाने वाले हैं लंच पे और कहाँ कहाँ घूमने वाले हैं. सो लेट्स गो टुगेदर एंड एक्सप्लोर द दिल्ली गाइस, लेट्स गो. सो गाइस, ये रहा हमारा रेड फोर्ट लाल किला. तो अभी इंडिपेंडेंस डे हुआ था, शायद उसकी वजह से काफ़ी सारा गंदा हो चुका है. यू कैन सी अभी जस्ट गेट खुला है, इट्स 11 o'clock राइट नाउ. तो बाहर का व्यू कुछ इस तरह है. सो आई एम स्टिल वेटिंग फॉर पांडे जी, सो वो अगर आती है तो देन वी गो इनसाइड गाइस. हाँ ये सही लग रहा है. देख गाइज, ये रहती है दिल्ली में और आज तक ये रेड फोर्ट आई नहीं है. तो कैसे लग रहा है तुम्हें पहली बार रेड फोर्ट आके? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे. शर्म नहीं आती? मैं भी कंपनी का वेट कर रही थी कोई आए दिल्ली में बैंगलोर से. अच्छा बट बहुत अच्छा. अच्छा चलो घूमते हैं. मोदी के साथ फ़ोटो खींचना चाहोगे? हाँ बिल्कुल, चलो फ़ोटो खींचते हैं. काफ़ी साफ रखा हुआ है ना. पूरा 2 घंटा. सो गाइज, अभी हम लोग लाल किला घूम चुके हैं और अभी हम लोग जाने वाले हैं जामा मस्जिद और वहाँ पे एक्सप्लोर करने वाले, जामा मस्जिद देखने वाले. फिर उसके बाद हम लोग कुछ
खाने वाले, बहुत भूख लग रही है। तो चलो साथ में चलते जाके खाते हैं और देखते हैं हम क्या क्या खाने वाले। ऑब्वियसली नॉन वेज ही होगा। So, मैं प्रेफर करूंगी अभी वेज। देखते हैं तो बनाएगी क्या वहाँ जाके वेज। कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। देखते हैं। अच्छा लगा, अच्छा था काफ़ी। बट बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से ना हम लोग थक जा रहे हैं बहुत ज़्यादा, घूमने वाला गाड़ी घुमाने वाला। सो चलो गाइज अभी हम लोग जामा मस्जिद जाके आप लोगों को वीडियो शूट करके दिखाते हैं। सो गाइज़ हम निकल गए थे जामा मस्जिद की तरफ से। तो मैं आप लोगों को बता दूँ जामा मस्जिद ज़्यादा दूर नहीं है रेड फोर्ट से, तो ई रिक्शा से आपको 50 रुपीज़ पर हेड चार्ज होगा गाइज। सो गाइज हम लोग बहुत ही ज़्यादा थक चुके थे, तो पहले हम लोग खाने के लिए आ गए। तो मैं आप लोगों को बता दूँ ये बहुत फेमस दुकान है जो जामा मस्जिद की गली में है। तो इस दुकान का नाम है हांजी मोहम्मद हज़िन की दुकान, जो चाचा बैठे रहते हैं। और ये मैं अपनी दोस्त को ज़बरदस्ती खींच के चिकन के रिव्यू देने के लिए बोल रही थी, बट इट वॉज़ एक्चुअली टेस्टी। मैं आप लोगों को इनकी फ़ोटो दिखाती हूँ, शायद आपने इनको देखा होगा बहुत पहले, तो मैं आपको डिस्प्ले करवा देती हूँ उनकी फ़ोटो। और काफ़ी अच्छी क्वालिटी थी, क्वान्टिटी था, विच वॉज कॉस्टिंग फॉर ओनली 280 रुपीज़। और ये मैंने डिस्प्ले पर शो किया है, ये रहे वो चाचा जो बनाते हैं वहाँ पर बैठ के। तो काफ़ी टेस्टी रहा गाइस, हम लोग तो काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय कर रहे थे। अगर आप लोग जामा मस्जिद जाते हो तो ज़रूर इस शॉप पे मिलिएगा और खाएगा। और फिलहाल के लिए अभी हम लोग इन्जॉय करने वाले हैं। सी यू गाइस इन सम टाइम। सो गाइस चिकन खाने के बाद हम लोग आ गए थे रबड़ी खाने के लिए। तो गाइस मैं आप लोगों को बता दूँ, इट वॉज लिटरली वेरी वेरी टेस्टी गाइस। रबड़ी दूध से, एकदम पक्का दूध से बनाया हुआ, इट वॉज़ वेरी टेस्टी। तो गाइज अभी हम लोगों ने यहाँ का फेमस चिकन खाया है और रबड़ी खाया, तो रबड़ी काफ़ी अच्छा लगा पांडे जी को। यम्मी था रबड़ी, बहुत मज़ा आ गया था। और अभी हम लोग जामा मस्जिद में हैं, तो अभी हम लोग अंदर ऊपर जाने वाले हैं, तो चलो साथ में चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं अंदर में क्या है, यहाँ पे कुछ अच्छा मिल गया। चलो चलते हैं। सो गाइज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, ये है इंडिया का सबसे लार्जेस्ट मस्जिद जो दिल्ली में है, जामा मस्जिद। और काफ़ी आउटर व्यू इसका काफ़ी अच्छा है। और इससे पहले जब मैं 3 साल पहले आई थी तब अंदर जाना अलाउड था, पर अभी अलाउड नहीं है लॉकडाउन के टाइम से। और अभी यहाँ पे अंदर मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। तो काफ़ी खूबसूरत जगह है गाइज़, इन्हें बनाया था शाहजहाँ ने 1644 में बनाया था, और वैसे ही खूबसूरत है। आई कैन जस्ट से वाओ। सो गाइज अभी हम लोग जामा मस्जिद से बाहर आ चुके हैं। हम लोगों ने ये कौन सा लिया है, ये जामा मस्जिद के आगे जो हम चांदनी चौक की गली में जो जाते हैं पता। तो अभी हम लोग चांदनी चौक जा रहे हैं, सो लेट्स सी कि हम लोग चांदनी चौक में आज क्या क्या खरीदते हैं, क्या क्या शॉपिंग करते हैं। मेरी तो शादी हो गई, मैंने ऑलरेडी लहंगे ले लिए, वरना मैं ट्राई करती डेफिनेटली। चलो जाके देखते हैं हमें क्या कुछ मिलता है वहाँ पे चांदनी चौक में। सो लेट्स गो। इसको क्या बोलते हैं, रिक्शा? हाँ रिक्शा बोलते हैं बस। हाँ रिक्शा। सो लेट्स गो। सो गाइज सरोजनी में थोड़ा बहुत शॉपिंग हम लोगों ने किया, मैं शूट नहीं कर पाई। फिर उसके बाद हम लोगों ने लेमन जूस पिया और बहुत ही ज़्यादा ड्रेन आउट हो चुके हैं क्योंकि वहाँ की गर्मी हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। फिर शाम के 6 भी बज गए थे, तो फिर हम निकल गए थे। तो मेरी फ्रेंड चली गई थी द्वारका की तरफ और मैं आ गई थी मयूर विहार की तरफ। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।